सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक है। कोरोना को लेकर की जाएगी समीक्षा बैठक। पांच कालिदास मार्ग आवास पर यह बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर, गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 9 के साथ ये बैठक है। और देखिए, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और राजधानी लखनऊ में कोरोना के लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और इसे देखकर कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ रही है। प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त रखा जाए। और देखिए, जगह जगह मॉक ड्रिल की तस्वीरें भी देखने को मिल रही थी और खुद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम पहुंचकर जायजा लेते हुए भी, निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किस तरह से अस्पताल तैयार है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदता, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर किसी की चिंता बढ़ रही है और इसे को लेकर प्रशासन मुस्तैद भी नजर आ रहा है। आज टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक रहने वाली है, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, जब से कोरोना की दस्तक उत्तर प्रदेश में हुई है और जिस तरीके से कोरोना केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अलर्ट जारी कर रही है, गाइडलाइंस जारी कर रही है स्वास्थ्य विभाग में सभी अस्पतालों को लेकर कि कोई भी गुंजाइश ना रखी जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो उसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। और वहीं अगर बात की जाए मॉकड्रिल की, तो कल साल की पहली मॉकड्रिल कराई गई थी जिसमें जो तमाम 112 पे मॉकड्रिल कराया गया था। बलरामपुर जो अस्पताल है वहाँ पर मॉकड्रिल हुआ था, सिविल हॉस्पिटल में मॉकड्रिल हुआ था और तमाम जगह पर ब्रजेश पाठक खुद भी गए थे। बलरामपुर पहुँचे, उन्होंने मॉकड्रिल देखा। इससे पहले एक हफ्ते पहले वो सिविल हॉस्पिटल पहुँचे थे, वहाँ पर जाकर उन्होंने मॉकड्रिल की टेस्टिंग देखी थी कि क्या कुछ व्यवस्थाएँ दुरुस्त है कि नहीं है, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, वेंटिलेशन की क्या व्यवस्था है। और इसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें, ये बैठक पांच कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर होने वाली है और 10:30 बजे बैठक रहेगी जिसमें हो सकता है तमाम जो जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौजूद रहे टीम 9 के साथ में, क्योंकि ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक में कोरोना की व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए और क्या कुछ अलर्ट पहले से टीम रख सकती है उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो आज बैठक में डिस्कशन करेंगे और निर्देश जारी करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और डिप्टी सीएम भी मौजूद रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कल जायजा लिया है तमाम अस्पतालों में जाकर और जिस तरीके से मॉकड्रिल हुई थी। कोरोना के केस की बात की जाए अगर, तो आज लखनऊ में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 83 केसेस टोटल लखनऊ में बताए जा रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 1148 एक्टिव केस है और अगर पूरा लेखा जोखा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ रहा है तो उसके मद्देनज़र जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जा रहा है, तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर जो ऑक्सीजन सप्लाइंग बेड है अस्पतालों में, जो 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 भी ऑक्सीजन प्लांट है वो सब चीज़ें दुरुस्त रहे, सारी व्यवस्था ठीक रहे, उसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो कोशिश कर रही है। और जो सफाई कर्मी है उनको बढ़ाया जा रहा है, स्टाफ को बढ़ाने के को लेकर भी निर्देश जारी किए और इसी सब चीज़ों को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और बैठक में तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होगा और देखना होगा कि इस बार कोरोना से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की जो टीमें हैं वो कितनी तैयार हैं, क्योंकि जिस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है और पिछली बार जिस तरीके से कोरोना को मात दी थी तो अब इस बार जनता को कई हद तक सरकार से उम्मीदें हैं, अस्पतालों से उम्मीदें हैं कि कोरोना जो है वो इतना ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे जो अस्पताल हैं वो पहले से तैयार हैं, हमारे जो डॉक्टर्स की टीमें हैं वो पहले से तैयार हैं। और इसको लेकर जनता की, जो लखनऊ की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा श्योर दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो काम कर रही है। और देखिए, लगातार यही कोशिश है कि जैसी स्थिति कोरोना में हमने देखी थी वो स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो और इसलिए पहले से ही तैयारी रखी जाए और इसी को लेकर बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। स्कंदता।